कहानी की शुरुआत होती है एक्स और क्रॉस ग्रुप के जाबाजों से, जो शापित जंगलों में रहने वाली जादूगरनी को ढूंढने जा रहे थे, क्योंकि वो पूरी दुनिया में एक बीमारी फैलाकर धरती को तबाह करना चाहती थी। जब उनका सामना उस जादूगरनी से हुआ तो उसने अपने जादू से मरी हुई चुड़ैलों को वापस जिंदा करके जाबाजों पर हमला कर दिया। फिर उनमें भयंकर लड़ाई शुरू हो गई और वहीं कोल्डर नाम का एक योद्धा अकेला जादूगरनी का सामना करने लगा। उसने पूरे जंगल में आग लगाई और फिर एक ही झटके में जलती हुई तलवार जादूगरनी के सीने के आर पार कर दी। अब जादूगरनी का काम तमाम होने ही वाला था कि उसने कोल्डर का दिल पकड़कर उसे अमर होने का श्राप दे दिया। असल में उस जादूगरनी की फैलाई बीमारी की वजह से कोल्डर का पूरा परिवार मारा गया था, इसलिए अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन अब उसे अमर होकर समय के अंत तक जिंदा रहना पड़ेगा। इस घटना के पूरे 800 साल बाद हम कोल्डर को एक हवाई जहाज में देखते हैं, जहां उसे महसूस हो रहा था कि कोई शायद मौसम को जादू से बदलने की कोशिश कर रहा है। उसने कुछ ही पलों में वहां एक लड़के को ढूंढ निकाला, जो कुछ प्राचीन पत्थरों की मदद से मौसम खराब करके हवाई जहाज को तबाह करना चाहता था। अब कोल्डर ने अपनी काबिलियत से तुरंत उन पत्थरों को खिसकर मौसम पहले जैसा कर दिया। तब ये खुलासा होता है कि आज के समय में भी चुड़ैलें और जादूगर इंसानों का भेष बनाकर उनके बीच में रहते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए कोल्डर अब तक एक्स और क्रॉस से जुड़कर इंसानों और जादूगरों के बीच शांति बनाए रखने का काम करता था। खैर, जब वो न्यूयॉर्क पहुंचा तो वो अपने अजीज दोस्त डॉलन से मिला। डॉलन एक्स और क्रॉस ग्रुप का लीडर था, लेकिन अब वो जल्द ही रिटायर होने वाला था। इसी मौके पर कोल्डर ने उसे एक बेशकीमती पेन तोहफे में दिया। फिर डॉलन ने कोल्डर को एक नए लड़के से मिलवाया, जो उसके बाद 37वां डॉलन बनेगा। फिर अगले दिन कोल्डर को खबर मिली कि पिछली रात उसके खास दोस्त की नींद में ही मौत हो गई। इसके बाद उस नए लड़के को ग्रुप का नया डॉलन बना दिया गया। फिर कोल्डर 37वें डॉलन के पास अपने दोस्त की मौत की जांच करने पहुंचा। उसने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे कहीं जादू के सबूत नहीं मिले। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, उसकी नजर 3 मरी हुई मक्खियों पर पड़ी और वो तुरंत समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर उसने जमीन पर कुछ जादुई धूल फेंकी तो पता चला कि इस पूरे कमरे में भयंकर काला जादू किया गया था। अब ये साफ हो चुका था कि उसके दोस्त की हत्या की गई थी। इसके बाद कोल्डर को एक किताब मिली जिसमें कुछ शब्दों पर खून के निशान थे। अब वो दोनों मिलकर हत्यारे को ढूंढने के लिए मैक्स नाम के आदमी के पास पहुंचे। मैक्स अक्सर जादूगरों को काला जादू करने का सामान बेचा करता था, लेकिन बदकिस्मती से वो अंधा था, इसलिए वो उस जादूगर को देख नहीं पाया। पर उसने कोल्डर को बताया कि उस आदमी के शरीर से सड़े हुए सेबों की बदबू आ रही थी। इतनी सी बात सुनते ही कोल्डर समझ गया कि हत्यारा कहाँ मिलेगा। इसके बाद वो एक सुनसान घर में पहुंचा, जहां एलिक नाम की एक छोटी बच्ची बैठी थी। उस बच्ची ने अचानक कोल्डर पर हमला कर दिया और फिर भाग निकली। अब कोल्डर समझ गया था कि डॉलन का हत्यारा बच्ची का रूप लेकर छिप रहा था। उसने कुछ ही पलों में उसे ढूंढ निकाला और उसे बंदी बनाकर एक्स एंड क्रॉस ग्रुप की सभा के सामने ले आया। फिर उन सब ने मिलकर हत्यारे को एक वहशी जानवर के सामने डाल दिया, जो एक ही पल में उसे जिंदा चबा गया। लेकिन कोल्डर को अब भी विश्वास नहीं था कि उसने ही डॉलन को मारा था। अब वो सीधा अपने मरे हुए दोस्त की लाश देखने गया। वहां उसे वही मरी हुई मक्खियां मिली। वो समझ गया कि डॉलन की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उस पर काफी शक्तिशाली काला जादू किया गया था, और इसे तोड़ने का सिर्फ एक रास्ता था। उसे काला जादू करने वाले जादूगर को मारना होगा, तभी डॉलन की जान बच सकती है। अब वो फिर से डॉलन के घर पहुंचा और वही किताब पढ़ी जिसमें डॉलन ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था। डॉलन ने उसे अपनी मौत का समय याद करने को कहा था, लेकिन उस घटना को पूरे 800 साल हो चुके थे, इसलिए उसे कुछ अच्छे से याद नहीं था। अब वो ग्लोई नाम की एक चुड़ैल के बार में पहुंचा और उससे याददाश्त के काढ़े की मांग की। पहले तो क्लोई ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब कोल्डर ने कहा कि ये सब एक दोस्त की जान बचाने के लिए है, तो क्लोई मान गई। फिर उसने कोल्डर को एक जादुई गोली दी और उसे खाते ही कोल्डर सीधा उन शापित जंगलों में पहुंच गया। उसने अंदर जाकर देखा कि जादूगरनी से लड़ाई के बाद वो जमीन पर बेहोश पड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ देख पाता, असलियत में बेलियाल नाम के एक जादूगर ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो वापस असली दुनिया में लौट आया। जब कोल्डर की आंख खुली तो वो जंजीरों से बंधा हुआ था। उसने बेलियाल का सामना करने की कोशिश की, लेकिन वो जादुई गोली खाने की वजह से उसका शरीर उस समय काफी कमजोर हो गया था। इधर बेलियाल ने तुरंत पूरे बार के सामान में आग लगा दी, ताकि कोल्डर फिर से जादुई गोली ना खा सके, क्योंकि कोल्डर को कभी ना मरने का श्राप मिला था, इसलिए वो जैसे तैसे आग से जिंदा बाहर निकल आया। फिर रात को जब क्लोई अपने कमरे में थी तो अचानक उसकी आंख खुली और कई जादुई शक्तियों ने जमीन से निकलकर उसे जकड़ लिया।
वो ताकत उसे काली दुनिया में धकेल रही थी। लेकिन खुशकिस्मती से कोल्डर समय पर वहां आ पहुंचा और उसने क्लोई का हाथ पकड़कर उसे वापस ऊपर खींच लिया। इसके बाद जब क्लोई की आंख खुली तो वो कोल्डर के कमरे में थी। उसने गुस्से में कोल्डर से झगड़ा करना शुरू कर दिया क्योंकि उसी की वजह से उसका पूरा बार जलकर खाक हो गया था। लेकिन कोल्डर अब भी अपनी यादों की गहराई में जाकर अपनी मौत के समय का सच जानना चाहता था। उसने क्लोई से वादा किया कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो हमेशा क्लोई की हिफाजत करेगा। आखिरकार क्लोई मान गई और फिर वो उसे लेकर अपनी दोस्त मिरिंडा के घर पहुंची। मिरिंडा भी जादुई पौधों का काम करती थी, लेकिन वहां पहुंचते ही क्लोई के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि किसी ने मिरिंडा को जान से मार डाला था। ऊपर से उसके सारे जादुई पौधे भी गायब थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो दोनों कोल्डर की पुरानी दोस्त डैनिक के पास पहुंचे। लेकिन डैनिक ने उसे धोखा दे दिया और कोल्डर पर ऐसा जादू किया जिससे वो अपने परिवार की यादों में कैद हो गया। तब क्लोई ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कोल्डर के दिमाग में घुसकर उसे जगाने की कोशिश की। उसकी कोशिश कामयाब रही और कोल्डर जल्द ही असल दुनिया में वापस आ गया। फिर उसने सभी गार्ड्स को ठिकाने लगाकर आखिरकार डैनिक को बंदी बना लिया। कोल्डर ने उससे पूछा कि आखिर बेलियाल चाहता क्या है। डैनिक के ना बताने पर कोल्डर ने उसका जादुई पत्थर भी तोड़ डाला जिससे उसकी सारी खूबसूरती मिट्टी में मिल गई। इसके बाद कोल्डर को एहसास हुआ कि क्लोई के अंदर लोगों के दिमाग में घुसने की ताकत है। क्लोई को इसके लिए किसी जादुई पौधे की जरूरत नहीं थी, इसलिए कोल्डर ने उसे अपने दिमाग में घुसकर उसे अपनी मौत की याद में ले जाने को कहा। आखिरकार क्लोई राजी हो गई और फिर पहली कोशिश में वो कोल्डर को लेकर उसकी याद में घुसी जहां जादूगरनी ने कोल्डर को श्राप दिया था। फिर उन्हें कोल्डर बेहोश पड़ा दिखाई दिया और उसके पास ही एक्स एंड क्रॉस के योद्धा खड़े थे। वो जानते थे कि कोल्डर जिंदा है। फिर उन्होंने जादूगरनी के दिल को तबाह करके उसे खत्म करने का फैसला किया। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि जादूगरनी और कोल्डर की जान आपस में मिल चुकी थी और जादूगरनी के दिल को खत्म करने से कोल्डर की जान भी चली जाएगी। आखिरकार डोलन ने जादूगरनी के दिल को अपने पास सुरक्षित रखने का फैसला किया जिससे उसके दोस्त कोल्डर की जान बचाई जा सके। ये सब देखकर कोल्डर को एहसास हुआ कि बेलियाल का असली मकसद जादूगरनी को जिंदा करना है। इधर बेलियाल ने 36वें डोलन को मारकर जादूगरनी का दिल चुरा लिया और अब उसने मैक्स को भी अगवा कर लिया था। वो जादूगरनी को मैक्स की बलि देकर उसे फिर से जिंदा करना चाहता था। अब कोल्डर उसका सामना करने के लिए सीधा चर्च में एक्स एंड क्रॉस के हथियार हासिल करने पहुंचा। वहां की पुश्तैनी तलवार लेकर वो जंगल में गया जहां उसने देखा था कि मैक्स को एक पेड़ ने अपनी जड़ों में कैद कर रखा है। असल में मैक्स के दिमाग पर अब जादूगरनी का कब्जा था। तभी अचानक बेलियाल वहां आ गया, लेकिन कोल्डर ने एक ही झटके में तलवार उसकी गर्दन के आर पार कर दी और बेलियाल की वहीं उसी वक्त मौत हो गई। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि जादूगरनी वापस से जिंदा हो गई। उसने कोल्डर को पकड़कर अमर होने का श्राप वापस ले लिया जिससे अब वो खुद अमर हो गई। अब वो पूरी तरह अपने भयानक रूप में वापस आ गई थी। उसने कोल्डर पर लाखों मक्खियों का हमला कर दिया और वहां से भाग निकली। खैर जैसे तैसे कोल्डर जान बचाकर घर लौटा तो उसने देखा कि 36वां डोलन वापस जिंदा हो गया था क्योंकि उस पर जादू किया था बेलियाल ने और उसकी तो मौत हो गई थी। डोलन ने उसे बताया कि अब जादूगरनी अपनी सारी चुड़ैलों को फिर से जिंदा करके पूरी दुनिया में वही खतरनाक बीमारी फैला देगी। उसे लगने लगा था कि अब धरती को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन डोलन ने उसे हौसला दिया और वही करने को कहा जो वो हमेशा से करता आया है। आखिरकार कोल्डर अपनी तलवार लेकर क्लोई और 37वें डोलन के साथ उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां से जादू पूरा होने पर पूरी दुनिया में वो बीमारी फैलेगी। वहीं जादूगरनी ने एलिक के जरिए अपनी मरी हुई चुड़ैलों को जिंदा करने का फैसला किया, पर तभी क्लोई एलिक को रोकने के लिए उसके दिमाग में घुस गई। वहां क्लोई और उसके बीच टक्कर का मुकाबला हुआ और आखिरकार क्लोई ने उसे खाई में धकेल दिया जिससे उसकी मौत हो गई। इस तरह वो जादू बीच में ही टूट गया। उसी वक्त वहां सेंटिनल नाम का एक बेहद खतरनाक जानवर आ पहुंचा। उसने कोल्डर पर जबरदस्त हमला कर दिया, लेकिन कोल्डर उसे मार गिराने में कामयाब रहा। इसके बाद उसने जादूगरनी को मारने के लिए उस पर हमला कर दिया, पर वो अचानक उसे एक मायावी दुनिया में ले गई। अब कोल्डर पहले की तरह अमर नहीं था, लेकिन फिर भी वो डट कर जादूगरनी का सामना करता रहा। जैसे ही वो आखिरी बार से जादूगरनी का काम तमाम करने वाला था तभी 37वां डोलन क्लोई के सर पर बंदूक रखकर कोल्डर के सामने आ गया। तब ये खुलासा हुआ कि 37वें डोलन के पास कोई शक्तियां नहीं थी और उसके बचपन में ही कोल्डर ने उसके माँ बाप को मार डाला था क्योंकि उसके माँ बाप अक्सर इंसानों को मारा करते थे। अब वो कोल्डर से बदला लेकर जादूगरनी को खुश करना चाहता था ताकि उसे भी कुछ शक्तियां मिल सके।
आखिरकार उसने क्लोई को जादूगरनी के हवाले कर दिया, लेकिन 37वां डोलन उसके किसी काम का नहीं था, इसलिए जादूगरनी ने उसे शक्तियां देने की बजाय मार डाला। उसी पल से वो बीमारी पूरी दुनिया में फैलने लगी। इधर कोल्डर बेहोश था और उसे सपने में अपनी पत्नी और बेटी दिखाई दी, जिन्होंने उसे जादूगरनी को हरा कर पूरी धरती को बचाने को कहा। आखिरकार वो उठ खड़ा हुआ और उसने प्राचीन पत्थरों से मौसम बदल दिया, जिससे जादूगरनी का ध्यान थोड़ा भटक गया। फिर उसने बिजली को अपनी तलवार से निशाना देकर सीधा जादूगरनी के सीने पर वार कर दिया, और इसी तरह जादूगरनी वहीं जलकर खाक हो गई। आखिरकार कोल्डर फिर से अमर हो गया था, लेकिन तभी जादूगरनी की अस्थियों में उसका दिल चमकने लगा, यानी कि उसका दिल अब भी जिंदा था। अब कोल्डर ने उसके दिल को तबाह करने का फैसला किया, हालांकि वो जानता था कि इससे वो खुद भी मारा जाएगा। पर तभी क्लोई ने उसे रोककर कहा कि दुनिया को अब भी उसकी जरूरत है। फिर क्लोई ने हमेशा उस दिल को सुरक्षित रखने का वादा किया, ताकि कोल्डर जिंदा रह सके। आखिरकार कोल्डर 36वें डोलन के पास पहुंचा और कहा कि अब से वो एक्स एंड क्रॉस के साथ काम नहीं करेगा। इसके बाद वो और क्लोई मिलकर अपने अगले मिशन की ओर निकल गए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।